लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। देश डिजिटल होने जा रहा है, लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, पढ़ाई के लिए विदेशों में जा रहे हैं, हम जहां पिज्जा और बर्गर पास्ता खाने के शौकीन हो गए हैं, उसी बीच देश में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा तो क्या भात के अलावा कुछ मालूम ही नहीं है। इनकी जिंदगी भात से शुरू होकर भात पर ही खत्म हो जाती है। हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य की। यहाँ डुमरिया डिवीजन हेडा क्वार्टर के करीब 30 किलोमीटर दूर एक गांव है। इस गांव का नाम है दंपाबेड़ा। इस गांव से सटे 4000 फीट ऊंची पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर कुछ आदिम समुदाय के लोग बसे हुए हैं। लोगों के बीच ये एरिया जंगल ब्लॉक के नाम से मशहूर है। यहाँ के लोगों की स्थिति ऐसी है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ के लोग विकास से कोसों दूर हैं। इस गांव में ना तो कोई आता है और ना ही कोई यहां से बाहर जाता है। इनकी जिंदगी सुबह शाम एक ही जगह पर गुजर जाती है। खाने में इन्हें सिर्फ भात ही नसीब होता है। आज भले ही दुनिया चांद पर घर बसाने की बात कर रही है, लेकिन इस गांव में सुविधा लगभग जीरो है। यहां के लोगों का इन सब से कोई लेना देना ही नहीं है। इस गांव की सबसे दयनीय स्थिति ये है कि यहां अगर कोई एक बार बीमार पड़ गया तो समझो उसका मरना तय है। उनके इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है। घर वाले मरने से पहले ही बीमार व्यक्ति की कब्र खोद देते हैं। कुछ लोगों की जिंदगी लकड़ी पर ही निर्भर है। ये लोग लकड़ियां काटकर पहाड़ी से नीचे उतरकर बेचने जाते हैं और काम खत्म कर फिर ऊपर चढ़ जाते हैं। इनके घर मिट्टी के लेप से बने होते हैं। महीने में एक बार पहाड़ से नीचे उतरकर ये लोग अनाज लेने जाते हैं। इसके लिए उन्हें 12 किलोमीटर चलना पड़ता है। जब इनका ये अनाज खत्म हो जाता है तो ये कंदमूल को पकाकर खाते हैं। कंदमूल जंगलों में पाए जाते हैं। जंगल में रहने वाले आदिवासी इस पर ही निर्भर रहते हैं। आदिवासी इसे कांदा कहते हैं।